everyone. Welcome to Maa-Si Care Foundation Tuesday Expert Video Session. Today we have Dietitian Amita Mishra with us. Over to Dietitian Amita Mishra. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मासी केयर ऑर्गेनाइजेशन. हमारे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जैसे कि डायबिटीज जो आपको प्रेगनेंसी में जाता है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, एंड हाइपरटेंशन. इसके ऊपर हमारे पास कुछ पेशेंट्स ने कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जेस्टेशनल डायबिटीज और हाइपरटेंशन से रिलेटेड, वो मैं आपसे पूछती हूँ. पहला क्वेश्चन, प्रेग्नेंट लेडी सबसे ज्यादा परेशान होती हैं कि अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है प्रेगनेंसी में, तो क्या उनको डिलीवरी के बाद भी डायबिटीज हो जाएगी? देखिए, ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में आता है. अगर उनको डायबिटीज हो गए, वो अक्सर घबराने लगते हैं कि अब क्या होगा, कि या तो मुझे हो सकता है कि बाद में भी डायबिटीज हो जाए. लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है तो वो आपको बाद में कंटिन्यू रहेगी. लेकिन आपको आपकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, आपको रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग करते रहना है, तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें. सेकंड क्वेश्चन है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है तो उनको डाइट का क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हैं, नॉर्मल प्रेग्नेंट हैं, तब आपका डाइट डिफरेंट है. लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है तो आपका डाइट डिफरेंट हो जाता है. जनरली कई बार मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत मीठा खाने का मन करता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो अभी आपको मीठे से परहेज करना है, मीठा अवॉइड करना है. अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह को, किन चीजों को आप जो है अवॉइड करें, और क्या आप बिल्कुल गिल्ट फ्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खा सकते हैं. तो सबसे पहले तो आप हैव शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स. आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं, एक बार में बहुत ज्यादा खाने की कोशिश ना करें. सेकंड, जैसे कि लोग प्रेगनेंसी में बोल देते हैं कि फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाइए. जनरली लोग अपना ध्यान रखने के लिए या स्किन ग्लोइंग के लिए या बेबी हेल्थ के लिए फ्रूट्स बहुत खाते हैं, तो फ्रूट्स का जो इनटेक है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सुबह एक फ्रूट खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम में फिर खा रहे हैं. अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल. आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल के अकॉर्डिंग ही आप फ्रूट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं. वैसे नॉर्मली आप एप्पल खा सकते हैं, ग्वावा खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं. इस तरह के फ्रूट्स आप ड्यूरिंग डायबिटीज अगर आपको है तो आप खा सकते हैं. लेकिन अगेन एंड अगेन मैं बोलूंगी कि ब्लड शुगर लेवल कितना है, ये बहुत मैटर करेगा. थर्ड, हैव होल ग्रेन फूड प्रोडक्ट्स. जितना कोशिश हो सके साबुत अनाज खाने की कोशिश करें. जैसे अगर आप रोटियां खाते हैं तो नॉर्मल आटे के बजाय आप मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटियां खाना प्रेफर करें. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नट्स की. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नट्स का इनटेक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रेन. तो नट्स में यू कैन गो फॉर, आप आलमंड्स खा सकते हैं, जैसे आप बादाम खा लीजिए, आप अखरोट खा लीजिए. जो अवॉइड करना है, जैसे आप किशमिश अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा पके हुए डेट्स मत खाइए. आप काजू अगर आपको पसंद है तो आप काजू भी खा सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की. तो वेजिटेबल्स में आप ग्रीन वेजिटेबल्स सारे खा सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं. हाँ, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जो जैसे कहते हैं ना जमीन के अंदर वाली सब्जियां, जो एक नॉर्मल अगर किसी को डायबिटीज है तो वो जो सब्जियां अवॉइड करते हैं. जैसे आप आलू, कोशिश कीजिए कि आप आलू कम खाइए. आलू हो गया, शकरकंद हो गया, जिमीकंद हो गया, कटहल हो गया, शलजम हो गया. तो इस तरह की सब्जियों का आपको अवॉइड करना है. सेकेंड, हैव लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क लीजिए प्रेगनेंसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लो फैट ही मिल्क लें. फुल फैट मिल्क मत लीजिए, लो फैट मिल्क आप इजिली ले सकते हैं. वाटर इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. आप कोशिश कीजिए कि अराउंड 3 to 4 liter एनी हाउ, मे बी चाहे वो समर्स हो या वो विंटर्स हो, लेकिन आपको वाटर इनटेक अराउंड 3 to 4 liters का रखना चाहिए. यही प्रिकॉशंस अगर एक पेशेंट अगर डिलीवरी हो गई है और उसको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज रही है, तो उसको डिलीवरी के बाद किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? ठीक है, डिलीवरी के बाद बेसिकली लैक्टेशन टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है बढ़ जाती है. तो सबसे पहले तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं. अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है तो एक नॉर्मल लैक्टेटिंग मदर की जो डाइट होती है, लैक्टेशन में हम हाई कैलोरी डाइट देते हैं, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो वो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ले सकते.
अब आप इसी में ही हमको ये बताइए कि अगर किसी पेशेंट को अगर बीपी बढ़ा हुआ है उसका प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको ये प्रेगनेंसी के दौरान की मैं पूछ रही हूँ, उनको किस तरह के डाइट के प्रिकॉशंस या किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? ठीक है, अगर बीपी के लिए जो मैनेज करने के लिए डाइट है, तो हमारे पास डैश डाइट होता है। डैश डाइट इज डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको कौन सा फूड कितने मात्रा में खाना है या कितने मात्रा में नहीं खाना है। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी है, तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, जैसे कि आप चपाती खाते हो या बिस्किट्स खाते हो, कुछ भी जो सीरियल से बना हो, तो आप आराम से 6 to 7 एक्सचेंजेस ले सकते हैं। मतलब 6 to 7 एक्सचेंजेस आप सीरियल्स के ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो आप 3 to 4 एक्सचेंजेस प्रोटीन्स के ले सकते हैं। फ्रूट्स के आप जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस लो, लाइक 5 to 6 एक्सचेंजेस, उतना ही आपके लिए बेटर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों चीजें एक साथ हैं, उस केस में आप फ्रूट्स नहीं लेंगे। अगर आपको केवल हाइपरटेंशन है, तो आप इजिली फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप 5 to 6 एक्सचेंजेस ऑफ फ्रूट्स, नट्स के कोशिश कीजिए कि 2 to 3 जो एक्सचेंजेस हैं वो नट्स के हो, एंड 4 to 5 एक्सचेंजेस ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब वेजिटेबल्स का जितना ज्यादा इनटेक करें, दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड उसके बाद हम बात करेंगे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो 2 to 3 एक्सचेंजेस ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और अगर आप फिश खाते, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो हैव लाइक 2 एक्सचेंजेस ऑफ नॉनवेज ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ट्राई टू अवॉइड फिश। और यही अगर किसी को बीपी बढ़ा हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान और अब उसकी डिलीवरी हो गई है, तब उसको किस तरह के डाइट का ध्यान रखना चाहिए? अगर आफ्टर डिलीवरी उसका ब्लड, उसका बीपी नॉर्मल आ गया है, तब तो नॉर्मल एक लैक्टेटिंग वीमेन की जो डाइट होते हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। सपोज कि मतलब अभी बीपी उनका वो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, उस केस में सेम फॉलो अप रहेगा, सेम प्रिकॉशन जो प्रेगनेंसी के दौरान रहे हैं वही रहेंगे। अमिता जी, आपने अभी जब बता रहे थे तो आप कुछ एक्सचेंज वर्ड यूज कर रहे थे, तो हमारे थोड़े व्यूअर्स को बताइए कि एक्सचेंज वर्ड का क्या मतलब है? ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 6 एक्सचेंजेस ऑफ सीरियल्स, तो मतलब सीरियल से बने 6 एक्सचेंजेस। जैसे अगर चपाती बोलूं, तो अगर 6 चपाती 6 एक्सचेंजेस। अच्छा, इस तरह। ठीक है, लेकिन ये एक्सचेंजेस डिफरेंट होते हैं। 6 एक चपाती एक एक्सचेंज है, लेकिन अगर मैं बोलूं 2 ब्रेड इज इक्वल्स टू 1 एक्सचेंज, तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको न्यूट्रिशनिस्ट से मिलेगी। मैं आपसे यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का एडवाइस कितना जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को बीपी बढ़ा हुआ है या किसी को डायबिटीज और बीपी दोनों चीजें हैं। कि डाइट, अगर इसमें आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप डाइट पे ध्यान देते नहीं है, और उसके बाद आपको इंसुलिन लगानी पड़ती है। डॉक्टर्स आपको बार बार बोलते हैं, डॉक्टर्स पहले कभी भी इंसुलिन नहीं देते, हमेशा बोलते हैं कि आप डाइट फॉलो करिए और मेडिसिन लीजिए। लेकिन आप लोग डाइट पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो, बट आप न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना नहीं समझते या इम्पोर्टेंस नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं बस डॉक्टर देख लेगा। तो उस केस में मैं बोलूंगी कि न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, तो हो सकता है आपको इंसुलिन वगैरह पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इंसुलिन और नॉन इंसुलिन, इसमें बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि अगर किसी को इंसुलिन लग रही है या किसी को अगर इंसुलिन नहीं लग रही है, तो क्या चीज बेटर है और डाइट से उसका क्या इफेक्ट रहता है? देखिए, बेटर तो वही है कि आपको इंसुलिन नहीं लग रही हो, आपको इंसुलिन ना लगना ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर फिर भी आपको इंसुलिन लग रही है, सपोज आप एनी हाउ आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाया है, और आपकी जो डिलीवरी डेट है वो पास आने वाली है, तो डॉक्टर्स आपको कई बार इंसुलिन लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि जिससे कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अगर आप इंसुलिन पे हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि इंसुलिन, कौन सा इंसुलिन आपको बिफोर मील लेना है, कौन सा इंसुलिन आपको आफ्टर मील लेना है। कई बार मदर्स इंसुलिन पे होती हैं, तो लेकिन उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वो समझ नहीं पाते और वो नेक्स्ट इंसुलिन का डोज ले लेती हैं। तो अगर आपको इंसुलिन लग रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। आपको सारे सिम्टम्स चेक करने हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कई बार आपको अचानक से बहुत घबराहट हो रही है, या आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, या आपके पसीने छूट रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं
कि माइट बी उस समय के लिए आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो गया हो। ये वो समय है जब आपको जरूरत होती है कि आप वापस से कुछ स्वीट लें, जैसे कि या तो आप ग्लूकोज वाटर लें या आप एक ग्लास पानी में 3 चम्मच चीनी मिला के पिए, तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इसकी भी जो सलाह है आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ले सकते हैं अगर आप इंसुलिन पे हैं तो। लास्ट क्वेश्चन, किसी पेशेंट का को डायबिटीज या हाइपरटेंशन था प्रेगनेंसी के दौरान, उसका बच्चा, लोग मदर्स बहुत कंसर्न होती हैं हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, 6 मंथ्स के बाद जब ऑल्टरनेटिव फीडिंग हम स्टार्ट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या ऐसी मदर्स को अपने बच्चों के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्या? ठीक है, देखिए वैसे तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि अगर मदर को प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो बच्चे को भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर 1-2 ब्लड शुगर चेक करवाने में कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है तो अदरवाइज टेंशन मत लीजिए, बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती है। थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत सारी चीजें हमको बताई, और एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है जेस्टेशनल डायबिटीज की मदर्स की और हाइपरटेंशन की मदर्स की, जिनको बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। आपने डाइट के बारे में हमको बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को पूरा बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।